मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना के जवाब में कांग्रेस नारी सम्मान योजना लॉन्च कर दी है। इसके जरिए महिलाओं को लाडली बहना योजना के मुकाबले 1000 की बजाय 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही 500 रुपए गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया गया है। इस योजना को प्रत्येक जिले में कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया, तो क्या रहा इस दौरान नजारा, देखिए एमपी न्यूज की एक खास खबर। आदिवासी बहुल इलाके अलीराजपुर में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना लॉन्च की। महिलाओं के फॉर्म भरकर इस योजना को शुरू किया गया, जहां कार्यक्रम में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महेश पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष रैना पटेल सहित कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि ये नारी सम्मान योजना जो उनकी लाडली बहना योजना है वैसी है, पर मैं साफ करना चाह रहा हूं कि जो बीजेपी की कल मुख्यमंत्री आएंगे, शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उनकी जो नारी सम्मान योजना के बारे में वो जो बता रहे हैं वो गलत है। और जो लाडली बहना योजना है उसमें आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 23 से 60 साल की महिलाओं के लिए। अगर कोई महिला 60 साल के ऊपर है या महिला कोई 23 साल के नीचे, तो उसके लिए ये योजना नहीं है जो ये बीजेपी की लाडली बहना योजना है। तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी से सवाल करता हूं, क्या इस मध्य प्रदेश की 23 साल के नीचे की बहनें और 60 साल के ऊपर की बहनें आपकी बहनें नहीं है? क्या जो बहनें पूरी हो जाती हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे मदद की हो, चाहे ये योजना आपकी नहीं है? और इन योजना को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ जी ने जो नारी सम्मान योजना निकाली है उसमें सभी उम्र की महिलाओं को सम्मिलित करा गया है, और वो सबके लिए, एक दो महिलाओं के लिए, सबके लिए। क्योंकि जो बीजेपी फायदा दे रही है वो सिर्फ 10% महिलाओं को फायदा मिलेगा, उसका और किसी को फायदा नहीं मिलेगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस योजना का लॉन्च छिंदवाड़ा से किया गया है, और मुझे बड़ा गर्व है कि आज जैसे ही हमने इस योजना के बारे में हमारे ज़िले की महिलाओं को बताया तो महिलाओं में इतना उत्साह था कि आज प्रोग्राम में 1000 से 1500 महिलाएं एकत्रित हो गई है, और सभी में इतना उत्साह है फार्म भरने का। वो बोलती है कि अब हमारे लिए कोई योजना लागू हो रही है जो हमको फायदा मिलेगा। मैं माननीय कमलनाथ जी, हमारी कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, राहुल जी और हमारे ज़िले के सभी सम्मान्य विधायक, सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण और सम्मान्य का मैं और महिला कांग्रेस की ओर से, मेरी नारी शक्ति की ओर से, जिले की महिला मातृशक्ति की ओर से इस योजना के लिए माननीय कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी और कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज हम यहाँ पर उपस्थित होकर ये संकल्प लिया है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम इस योजना को घर घर तक पहुँचाएंगे, घर घर जाएंगे, हर महिला का फार्म भरवाएंगे। और अभी हमने कल से पूरी तैयारी करना चालू कर दी है, मैंने 20,000 फार्म छपवा लिए और कल से ये अभियान चालू करूंगी। वहीं धार में कांग्रेस की नारी सम्मान योजना आगामी चुनाव में उसे सत्ता दिलाने में किस हद तक कामयाब होगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि यहां पर योजना लॉन्चिंग के समय जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष विजेता त्रिवेदी का नहीं रहना कई प्रश्नों का जन्म दे रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना की शुरुआत आज कांग्रेस पार्टी के माध्यम से फॉर्म भराने की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चालू की। प्रक्रिया बड़ी सरल रहेगी, हम सभी पंचायत के अंदर के जितने गांव रहते हैं, हमारी जो ब्लॉक कार्यकारिणी इकाई है, हमारे सभी सम्मान्य विधायकगण हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, सभी को हम जवाबदारी सौंप रहे हैं, सभी को प्रभारी के रूप में नियुक्ति की जाएगी। वो समस्त विधानसभा में जाके, गांव-गांव तक जाके महिलाओं से मिलेंगे, कांग्रेस की जो मंशा है उन तक पहुंचाएंगे, कमलनाथ जी की और की मंशा है जो कांग्रेस तक पहुंचाएंगे। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो सिलेंडर आज की तारीख में 1200-1500 तक पहुंच गया है, तो ब्लैक भी बहुत हो रही है उसकी, हम
गैस का सिलेंडर उन महिलाओं को कम से कम 500 रुपये में मिले। नारी के सम्मान, नारी को सशक्त करने के लिए हमारी योजना प्रदेश में हमारी सरकार आने पर जो लागू करेंगे 1500 रुपये की, उनके भी फॉर्म हमारी इकाई के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। हमारा प्रयास है कि जन जन तक, महिलाओं तक पहुँचे कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में उनके लिए क्या करने जा रही है। धार जिले में कितने महिलाओं का फॉर्म भरने का लक्ष्य रखा गया? देखिए, प्रति विधानसभा लगभग हमने 50,000 फॉर्म उपलब्ध कराए हैं, तो 7 विधानसभा हैं, करीबन 3,000-3,500 के आसपास, 3,500,000 के आसपास फॉर्म हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं और हम लोग गाँव गाँव तक इस। हरदा में मंगलवार को एक निजी होटल में कांग्रेस नेताओं ने शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना के मुकाबले नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग की। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक निलय डागा ने योजना को महिलाओं के लिए काफी खास बताया और योजना के जरिए महिलाओं का साथ मिलने का दावा किया। जिला कांग्रेस की तरफ से मैं रोज पर डे जहाँ भी कैंप लगेंगे गाँव में, ब्लॉक वाइज और वार्डों में, उसकी रोज अपडेट प्रेस को भेजूंगा कि आज हमारे कितने 40,000 हर विधानसभा में भर रहे हैं और महिलाएं और आएंगी तो हम अभी फॉर्म और बढ़ा के उसको और। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी की अति महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना नारी सम्मान योजना का मंदसौर से भी शुभारंभ किया गया। इसमें महिलाओं को रुपयों की काफी बचत होने का दावा किया गया। देखिए, आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी आज नारी सम्मान योजना को उन्होंने लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हम हर महिला को 1500 रुपये हर महीने के और 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने वाले हैं। तो 1500 रुपये प्रति माह का कुल मिलाकर के साल का होता है 18,000 रुपये और जो गैस का सिलेंडर 1200 रुपये का मिल रहा है वो हम देने वाले हैं 500 रुपये में, जो 600 रुपये की बचत हमारे वहाँ होती है, यानी कि सालाना 25,000 रुपये की बचत या फिर कहा जाए कि 25,000 रुपये की सौगात माननीय कमलनाथ जी के द्वारा नारियों को दी जाए। तो इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग की गई। हालांकि इस योजना का लाभ कांग्रेस की सरकार आने पर ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़।